हेलो गाइस, शिवांगी चौरसिया ब्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूजन में थे कि जब हमारा पैराग्राफ पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हमें शिफ्ट की प्रेस करनी है या फिर एंटर की प्रेस करनी है। बहुत से लोगों का ये डाउट था। तो देखिए, कोई भी आपको कंप्लीटली श्योरिटी से नहीं बता सकता है कि कौन सी की आप प्रेस करके दोबारा रीटाइप कर सकते हैं पैराग्राफ। पर फिर भी एंटर की बहुत से लोग प्रेस करके ही पैराग्राफ को रीटाइप कर रहे हैं, क्योंकि शिफ्ट की प्रेस करके रीटाइप करने का कोई मतलब नहीं बनता। आई थिंक एंटर की ही प्रेस करके आपको पैराग्राफ टाइप करना चाहिए। और मैंने भी एंटर की प्रेस करके ही पैराग्राफ को पूरा रीटाइप किया था। और यदि ये मिस्टेक होती भी है तो ये हाफ मिस्टेक में काउंट होगी। बाकी आपको 100% श्योर कोई नहीं बता सकता है कि कौन सी की प्रेस करें और फिर पैराग्राफ आप टाइप करें। और दूसरी बात और कि आप वहां पे जाने के बाद सबसे पहले अपना कीबोर्ड जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जैसा कि मेरे साथ हुआ कि बाकी जो मेरे आसपास के कैंडिडेट थे उनका कीबोर्ड काफी ठीक था मेरे कंपैरिजन में, और जो मेरा कीबोर्ड था उसकी जो ऊपर की कीज थी वो बाकी दो अदर लाइंस की कीज के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा हार्ड थी। तो इससे क्या होता कि यदि मैं जब टाइप करती और यदि मैं स्पीड पकड़ती तो जो हार्ड कीज थी वो फंसी रह जाती और दूसरी की जो लूज है थोड़ा वो प्रेस हो जाती, तो इससे मिस्टेक होने की ज्यादा चांसेस होते मेरे। तो मैंने अपने इन्विजिलेटर से कह के उसे चेंज करा लिया था। तो फिर मुझे बाद में उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। बट आप भी इस बात का ध्यान रखिए कि आपका कीबोर्ड सही होना चाहिए, क्योंकि जब तक कीबोर्ड की कीज अच्छे से नहीं प्रेस होंगी तो कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी, और मिस्टेक होने के कारण आप भी पैनिक हो जाएंगे। तो प्लीज इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। और अगर आपका कोई और भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे उसे टाइप करके मुझे बताइएगा। और आने वाले वीडियोस में मैं ग्रुप डी के लिए किस तरीके से स्टडी कर रही हूँ ये स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगी। थैंक यू सो मच।